नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। का हमारे खास कार्यक्रम असला की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया। शराब घोटाले के मामले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउन एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी की मांग की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर आज उतर आए, जहां पर हरियाणा में भी कई जगह प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आप नेताओं के बीच झड़प देखी गई। कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कहा है कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है और ऐसे में आप कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। वहीं गृहमंत्री ने भी सीबीआई की जांच पर भरोसा दिखाया है। देखिए, इस चीज के लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं। केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये फैसले करने का अधिकार नहीं है। सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, ये ठीक है या गलत है इसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगी। तो गिरफ्तारी पर हंगामा आज देखा गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज पूछताछ के बाद सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी और ये 5 दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया को की सीबीआई को दे दी गई है। 8 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। और ऐसे में जगह जगह पर कई जगह हिंसक झड़प जो है आज देखा गया। आप के कई नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कई जगहों पर जो है प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आप नेताओं का प्रदर्शन जो है देखा गया। कई जगह पर पुलिस और आप नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। और आपको बता दें कि सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी के कारण 5 दिन का रिमांड भी मांगा गया है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की गई। कल कई घंटों की पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया था और आज 5 दिन का रिमांड जो है सीबीआई को डिप्टी सीएम का दे दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अब कई जगह पर आप नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध भी देखा गया, प्रदर्शन भी देखा गया है। और बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी पर फिलहाल इस तरीके का हंगामा क्यों है, क्योंकि साफ तौर पर आप कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा कहा गया था कि जांच में सहयोग किया जाएगा। और अब फिलहाल आपको बता दें कि कई जगह पर आज प्रदर्शन देखा गया है। हरियाणा के कई जगहों पर प्रदर्शन देखा गया, जहां पर पुलिस और आप कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच झड़प भी देखी गई। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली के डिप्टी सीएम गिरफ्तार हुए, उनके 5 दिन के रिमांड फिलहाल सीबीआई को दे दी गई है। बता दें कि 4 मार्च तक फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। शराब घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। बता दें कि तो पूरी चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राठी, प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण गुटेल जी, प्रवक्ता एनएलओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज राठी जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और वो रिमांड भी सीबीआई को दे दी गई। कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जांच को कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे है, जब अंग्रेजों का राज था तब भगत सिंह जैसे हमारे क्रांतिकारी साथी थे, उनको हर रोज अंग्रेज सरकार गिरफ्तार करा करती, फिर भी देश आजाद होके मान्या। इसी प्रकार बीजेपी से भी एक दिन ये देश आजाद होगा
इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये जेलों में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको तथ्यवाइज सारी बातें बताऊंगा कि ये आरोप सारे झूठे हैं। 10,000 करोड़ का शुरू में आरोप लगाया, 10,000 करोड़ की अगर कोई आदमी रिश्वत लेता है तो कहीं कुछ खरीदेगा या कहीं वो पैसा छिपाएगा, क्यों नहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड में वो मिले, खाली आप क्यों लौटे, इतने दिन बाद में अब अचानक गिरफ्तार क्यों करे। कई मामले ऐसे आते हैं कि मनीष जी बहुत अच्छा काम करने लग रहे, स्कूलों में हर रोज 2-3 स्कूलों में जाया करते और सरकारी स्कूलों की चेकिंग करा करते, ये बीजेपी पार्टी को अच्छा नहीं लगने लग रहा था। बड़ी स्पीड से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने लग रही थी, इसीलिए बीजेपी को ये बातें अखड़ा रही थी, इसीलिए सीबीआई ईडी की रेड करवाई, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, इनकम टैक्स को कुछ नहीं मिला, फिर भी आज पकड़ के जेल में ठोक दिया। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने मनीष जी के बैंक लॉकर से भी कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी देखो ये झूठा मामला बनाया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने का काम किया गया। पहले भी ऑपरेशन लोटस के तहत मनीष जी को ऑफर देने लग रहे थे बीजेपी वाले कि हमारी तरफ आ जा, सरकार गिरा दे, हम आपको सीएम बना देंगे, लेकिन मनीष जी नहीं माने, इसलिए मनीष जी को जेल भेजा। अगर मनीष जी मान जाते तो आज वो सीएम बने पाते, लेकिन मनीष जी ने जेल जाना मंजूर था, लेकिन गद्दारी करना देश के साथ मंजूर नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मनीष जी कई बार सरकारी स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के सवालों का जवाब देते हैं, सरकारी स्कूलों की चेकिंग करते हैं, क्या हरियाणा के शिक्षा मंत्री कभी किसी स्कूल में गए हैं? मैं तो कहना चाहूंगा अगर गलती से चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई बच्चा अंग्रेजी में सवाल पूछ लेगा या कुछ हिंदी में सवाल पूछ लेगा, मंत्री जी जवाब आना नहीं, पीछे भी उदाहरण सामने आया था, इसलिए डरते रहिए। तो सरकारी स्कूलों में जाके देखते नहीं कि वहां के हालात कैसे हैं? जो लोग सरकारी स्कूलों में जान लग रहे हैं, जो मेहनत करने लग रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाल रहे काम करें। मन तो ऐसा लगा कि गुजरात का भय और ये आपका दिल्ली की एमसीडी का भय साफ नजर आ बीजेपी को आने लग रहा है कि बीजेपी का अगर कोई तोड़ है, बीजेपी का काल कोई है तो आम आदमी पार्टी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लगातार नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री को बेकसूर जेल में डाल रखा है, कोई सबूत नहीं है। और फिर भी मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक बात जरूर कहूंगा कि कोई ना कोई चीज बरामद करा के तो दिखाओ, तभी तो मानेंगे कि रिश्वत कितनी है। इनका एक प्रवक्ता कहता है 10,000 करोड़ की रिश्वत ली है, दूसरा प्रवक्ता कहता है जी 2,000 करोड़ का घोटाला है, इनके एलजी साहब से कहनाना 100 करोड़ का घोटाला है। मैं तो इनको कहना चाहूंगा पहले होमवर्क करके आया करो, फैसला करो बैठ के घर में कि कितने का आरोप लगाना है, कितने की बात कहनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दोष लोगों को जेल में डालना इनका काम है। आज एक बार फिर ये देश गुलाम हो रहा है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, आज ये कुछ विचारधारा के लोग यहाँ आके बैठ गए हैं जो अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों को जेल में डालने का काम करते। मैं तो कहता हूँ प्रतिस्पर्धा करो काम की, मुकाबला करो काम का। आम आदमी पार्टी ने स्कूल अच्छे बनाए हैं, स्वास्थ्य के अंदर काफी सुधार किया है, इसीलिए आम आदमी पार्टी आज भी बढ़ने लग रही है। लेकिन बीजेपी को काम की, इसकी जो कंपटीशन करने की बजाय बीजेपी ने एक मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में ठोक दो। मैं बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का आज हर कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार है, आपकी जेल भरने के लिए। ठीक है, ठीक है मनोज जी, लौटे भी आपके पास, बाकी के भी जुड़े उनसे भी रिएक्शन जान लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। सत्यव्रत जी, सुना आपने मनोज जी को, क्या कहना है आपका? देखिए बहुत अच्छा भाषण था इनका, और जिस देश की चुनी हुई, और एक बार नहीं दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने बढ़ाकर मत दिया, ऐसी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को ये अंग्रेज की सरकार से तुलना करते तो मानसिक स्तर तो पता चल जाता है। दूसरी बात, जब सरकार जेल भेज सकती है लेकिन जेल भेजने के बाद उसके पास वकील है, देश का कानून है, कोर्ट में खड़े होने के लिए वकील इनके पास है, सरकार इनके पास है, और यदि सरकार इस प्रकार के झूठे मुकदमे दायर करे तो कोर्ट तो सरकार के नहीं होते, या ये कहने लग जाएंगे थोड़े दिन में कि कोर्ट भी इनके हैं, जज भी इनके हैं। तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। देश के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून का राज है, और सबको अपनी बात रखने का। आज ये कैसे कहते हैं कि अचानक शराब घोटाला कब घोषित हुआ, जांच कब से चल रही है, गिरफ्तारी का दिन तो तय होगा, जेल में जाने का दिन भी तय होगा, उसी दिन को और उसी समय को कह के अचानक कैसे हो गया? ये अचानक नहीं है मनोज राठी जी, इसके पीछे सीबीआई के अफसरों की कई महीने की मेहनत है, और सीबीआई के अफसर को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है
कि यदि किसी व्यक्ति को गलत से आप पकड़ेंगे तो उसका जनता और कोर्ट क्या जवाब देगी, और यदि आपके स्वास्थ्य मंत्री यदि ठीक होते तो आज तक कोर्ट ने उनके ऊपर क्रिया क्यों नहीं की? या तो आप नहीं चाहते कि कोई वकील खड़ा हो और कोर्ट में पेशी हो, या फिर कोर्ट के अंदर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि उनकी रिहाई नहीं हो सकती। इसलिए बड़ी बातों करके और आप देश के यहाँ एकमात्र विकल्प आप खड़ा करना चाहते हैं कि देश के अंदर यदि भाजपा का कोई विकल्प है तो आम है। देखिए, विकल्प कोई भी हो सकता है, देश का कानून लोकतंत्र में विश्वास रखता है। हर 5 साल बाद हर व्यक्ति को अपनी बात रखकर जनता का मत लेने के लिए अवसर मिलता है, और इन पिछले दोनों चुनावों में भी आपकी पार्टी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के रूप में भी केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट किया, और बाकी जगह पर भी आपके जो नेताओं को मुख्यमंत्री बाकी जगह आया, तो जनता ने क्या आपको जवाब दिया वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी देश आम पार्टी बन गया और आम पार्टी ही देश बन गई, इससे ज्यादा बड़ा मजाक देश की जनता के साथ हो नहीं सकता। और इस विषय को लेकर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं सावनी जी कि यदि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नाजायज पकड़ा जाएगा या सीबीआई के अफसर में, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप तो कह नहीं सकते, जो कार्रवाई हो रही है वो पुलिस और जांच एजेंसियों के द्वारा है, उसकी परख जो है वो कोर्ट के द्वारा की जा रही है, वहाँ आपके भी वकील खड़े हैं और सीबीआई के भी वकील खड़े हैं, और यदि आधार पर उस बात को जुठलाया जा सकता है तो इससे बड़ा मजाक देश की जनता के साथ हो नहीं सकता। इसलिए मनोज राठी जी से मेरा निवेदन है कि वो पार्टी को पार्टी रहने दें और देश को देश रहने दें। देश के लिए आप क्या कर रहे हैं और देश ने आपको क्या देखा है वो सब जानते हैं। ठीक है सत्यवीर जी, लौटूंगे आपके पास। राहुल गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। राहुल गर्ग जी, जिस तरीके से जांच हुई है, डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी हुई है और जगह जगह पर प्रदर्शन भी हुआ है, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जांच को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, अभी जांच चलने लग रही है और अभी कोई दोषी करार नहीं हुआ है। ये बीजेपी की हमेशा ही पॉलिसी रही है विपक्ष को कमजोर करने के लिए। उनकी हरियाणा के अंदर संदीप सिंह के खिलाफ खेल मंत्री जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अभी कोई दोष तो साबित हुए नहीं है, अभी तो खाली कार्रवाई चल रही है। उनको 4 दिन के रिमांड पे ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। करने तो यदि आपको कानून एक समान, मैं पीजीपी प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, यदि उनको कानून कह रहे सभी के लिए एक समान है कि सत्ताधारी और विपक्ष के लिए सभी के लिए एक समान, तो संदीप सिंह जी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है चंडीगढ़ के अंदर। ना उन्होंने कोई अपना मंत्रालय छोड़ा है, उन्होंने खाली क्या जमा किया, अपना खेल मंत्रालय छोड़ दिया, मंत्री वो आज भी है। तो आप ये बताए ना कि वो संदीप सिंह जी को भी आप गिरफ्तार करो, जब मनीष सिसोदिया जी को कर रहे तो संदीप सिंह जी को गिरफ्तार करें आप जी। ठीक है राहुल गर्ग जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, आपका भी रुख करूंगे और आपसे भी यही सवाल, इस पूरे जांच को, इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अंदर जो है कि वो भय का माहौल क्रिएट कर रही है ताकि भय के जरिए हम सत्ता पर बरकरार रहें। आज जो है कि आप पार्टी के जो नेता मनीष सिसोदिया जी हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है, उसको गलत करार देना या सही कहना ये कानून के दायरे के अंदर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जंगल राज जो बनाया हुआ है कि यहाँ पर 2020 के अंदर कृष्ण पटेल जी रोकूंगी, बीच में रोकना चाहूंगी आपको। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीबीआई की जांच हुई है और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई की जांच के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, तो जो सीबीआई करती है ठीक ही करती है। अगर इस प्रकार का कोई उनके को गिरफ्तार किया गया है तो जरूर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए होंगे, और जो दोषी होगा उसको हमारे इस शासन में, सरकार में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए सीबीआई ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से दोषी सिद्ध होने पर जी। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कुटेल जी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोका था जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो शराब घोटाला 2020 के अंदर हुआ, एसआई का गठन हुआ,
तो लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं। दूसरा भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भी सीबीआई के द्वारा, क्योंकि चाहे इस देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, यानी सरकार के द्वारा सीबीआई ईडी का जो है कि गलत इस्तेमाल करके उसको प्रयोग में ला करके जो है कि लोगों को तंग करने का काम किया, जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि सीबीआई और ईडी का डर दिखा करके वो काम कर रही है। दूसरा जो है कि यहाँ पर जैसे आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री संदीप का एक कवच बनकर के काम कर रहा है, उसकी सीबीआई से जांच कराए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो लेकिन सभी लोगों के बीच में और विधानसभा के बीच में कहा है कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो पाप साफ है, लेकिन उसकी सीबीआई जांच कराए। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो है कि लोग जो सत्ता के अंदर जो बैठे हैं, अगर वो पाक साफ जो है कि अपने आप को कहते हैं, तो लेकिन उसकी जांच करके दिखाएं। साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी को जो है कि दान घोटाला नजर नहीं आता इस हरियाणा प्रदेश का? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है कि यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्री घोटाला नजर नहीं आता, यानी बड़े पैमाने पर जो है कि फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ जी? दूसरा जो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ पर फर्जी बीपीएल राशन कार्ड का मामला नजर नहीं आता? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फरीदाबाद के अंदर सीवरेज के नाम से जो है कि नगर निगम का घोटाला नजर नहीं आता? क्या करनाल के नगर निगम का जो है कि स्ट्रीट लाइट का घोटाला नजर नहीं आता? क्या यहाँ पर जो है कि फर्जी प्रॉपर्टी आईडी का जो है कि मामला इन लोगों को नजर नहीं आता? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का डर दिखा करके सत्ता पर बरकरार रहना चाहती है, खौफ का माहौल क्रिएट कर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। कृष्ण पटेल जी, लौटेंगे आपके पास जी, तमाम सवाल पूछे आपने, जवाब लेंगे हम सत्यव्रत जी से, लेकिन लौटेंगे आपके पास। मनोज जी, आपका मैं रुक करूंगी और आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि जब ये कार्रवाई शुरू की गई थी तब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि पूरी तरीके से जांच में सहयोग किया जाएगा, और अब पूछताछ जब जा रही है, जांच जा रही है, तो सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसा क्यों? गिरफ्तार करे है ना, और सीबीआई तो कहा कि जांच में सहयोग नहीं करने लग रहे हैं, जांच में सहयोग करने लग रहे हैं। जब जांच में लोकर तक चेक कर लिए, मनीष सिसोदिया जी गांव में चले गए, गांव में जमीन चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला, तो और जांच किसने किस प्रकार सहयोग करना है? मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर लॉकडाउन में शराब घोटाला आया था और बीजेपी के मंत्री अनिल विज जी ने मामले में उठाया था, और आप फिर मैं इसकी जांच करवाऊंगा, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं, उसके दोषियों क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मैं तो एक इनको एक और बड़ी बात बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फतियाबाद के अंदर एक शराब घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, इसके आरोप किसने लगाए थे? इसी महकमे के एक अधिकारी ने लगाए थे, आबकारी विभाग के ही एक अधिकारी ने आरोप लगाए थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी पर कि यहां कम से कम भी 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। उसने उस अधिकारी ने सीबीआई को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक सीबीआई की आंख नहीं खुली। ये क्या कारण है भाई? इनका कोई आदमी का नाम किसी घोटाले में आता है, कोई अधिकारी घोटाले की शिकायत करता है, लॉकडाउन में इतना बड़ा घोटाला हुआ तो उसकी कोई जांच करता ही नहीं, न सीबीआई जांच करती, न ईडी जांच करती, न कोई रेड पड़ती। एक बीजेपी का नेता ऐसा बताए मुझे पूरे देश के अंदर जिसके घर में रेड पड़ी हो सीबीआई की, ईडी की? क्यों भाई, ईडी किसके लिए रोक रखी है आप लोगों ने? विपक्ष के नेताओं के लिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ भर लेंगे आज इस बात की। जब कांग्रेस का राज हुआ करता तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक बात कहा करते कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है। तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तोते को आपने आजाद कर दिया? आज यह सीबीआई किसका तोता है जो आप खुद आरोप सीबीआई पर लगाया करते कि सीबीआई सरकार के इशारे पे काम करने लग रहे हैं? तो आज या सीबीआई किसके इशारे पे काम करने लग रही है? ईडी किसके इशारे पे काम करने लग रही है? और मैं मुख्यमंत्री जी के एक बात जरूर कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मुझे सीबीआई पे भरोसा है, तो पहले भरोसा क्यों नहीं था जब कांग्रेस का राज था? और तोता आप लोग कहा करते। इससे भी बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, संदीप सिंह के मामले में संदीप सिंह के ऊपर एफआईआर हुई, आरोप लगे, फिर इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? ठीक है मनोज जी, आपने तमाम सवाल पूछे, सत्यव्रत जी से जवाब जान लेते हैं। सत्यव्रत जी, तमाम विपक्षों को सुना आपने, क्या कहना है आपका? देखिए स्वामी जी, पहली बात तो यह है कि किसी की तुलना किसी से करना, यानी कोई दूसरा चोर है कि नहीं है इसलिए मैं चोर नहीं हूँ ऐसा कहना, और मैं अच्छा हूँ, मैंने एक अच्छा काम किया, मैं 10 सबसे
काम एक काम के बदले दस मैं यदि गंदे काम करूंगा बुराई करूंगा तो एक अच्छा काम मेरी वोट कर लेगा, यह सिद्धांत कानून में नहीं है जी। समाज के लोग तो आपको बोल सकते हैं लेकिन जब कानून का बात आएगी मनोज जी तो आपको एक अच्छे का कानून अच्छा भी देगा और दस गलत काम के दस गलत भी परिणाम देगा। इसके लिए आप कानून को नहीं ला सकते। दूसरी बात, जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के लिए बताए गए आप सबको पता है और मेरे साथियों को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी कार्रवाई हुई है वो सरकार के स्तर पर हुई है, सरकार की जांच एजेंसियां और सरकार के छापामारी के आधार पर पकड़े गए हैं और पकड़े जाना सरकार के व्यक्ति नहीं पकड़े गए कि सरकार का कोई एमएलए पकड़ा, सरकार का कोई मंत्री पकड़ा, ये सब वो लोग हैं जो तंत्र में है और तंत्र में बैठा व्यक्ति कोई भी गलत होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने एक बार नहीं अनेक बार और दिन में कई बार साबित किया कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत करेगा तो उसकी छापामारी में पकड़ा जाएगा और इसी प्रकार से कितने ही महकमों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर उनके घाटे से बढ़ाकर आगे बढ़ाया। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान देवीजी सिंह को उनके अकाउंट के अंदर जो कुछ देने लगे हैं उससे गरीब आदमी को एक हक लगा है और इसी चोरी चकारी के चक्कर में यदि दिल्ली की सरकार में बैठे मंत्री जी। अपनी पार्टी को अपने नेता को खुश करना चाहें तो ये उनका अपना है क्योंकि देश के अंदर एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जावनी जी जिसके पास कोई महकमा नहीं है, वो एक बिना महकमे के मुख्यमंत्री है। तो आप सोच सकते हो कि वो सब लोगों को टारगेट बनाकर एक तू चल में आया जो कांग्रेस के शासनकाल में हमने देखा 10 से 9 से 14 तक ऐसे ही आम आदमी पार्टी के शासनकाल में क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई महकमा नहीं है जो तो फाइल उनके पास आती नहीं है इसलिए उन पर कोई दोष लगा नहीं सकता ठीक है और मंत्री कोई बच नहीं सकता ठीक है सत्यवर जी। जी लौटूंगे आपके पास। राहुल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल गर्ग जी आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए जान चुकी जा रही है लेकिन जिस तरीके से आज जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया है आप कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा आप इसको सही मान रहे हैं? प्रदर्शन करना उचित नहीं है ये बात वाजिब है पर उसके साथ साथ उनको ओबलाइज भी किया जा रहा है ना। बीजेपी के किसी भी आज आप देखोगे पूरे इंडिया के अंदर कोई भी बीजेपी का नेता कोई बीजेपी का मंत्री कोई एमएलए कोई एमपी उनको सजा सुनाई गई उनको जेल में डाला गया और कोई विपक्ष बोलता है तो विपक्ष को चुप कराया जाता है। हरियाणा के अंदर रिसेंटली में बात किया जाए यासी कंपनी का घोटाला हुआ कोविड के टाइम में दारू का घोटाला हुआ खनन का घोटाला हुआ हिसार के अंदर भू माफिया तैयार करके एयरपोर्ट के आसपास की जमीन करके वहां घोटाला कर दिया गया लेकिन किसी घोटाले की जांच हुई? 4 साल के पूरे हो गए हैं होने वाले हैं इसके द्वारा सरकार के बीजेपी के उसके अंदर इतने घोटाले बेनिसाब के किसी घोटाले को आज तक इन्होंने कोई सीबीआई जांच नहीं कराई कोई ईडी जांच नहीं कोई विपक्ष का नेता बोलता है उसके ऊपर ईडी की भी जांच होती है सीबीआई भी यूज की जाती है हर तरह की जो सरकारी हमला जमला है उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है लेकिन बीजेपी का कोई बंदा बोल कुछ भी करे उनको फुल छूट है। यदि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी होया करते थे बीजेपी के बराला साहब उनके बेटे के ऊपर भी छेड़खानी का आरोप लगा आईएएस की बेटी के चंडीगढ़ का आज तक उसमें क्या हो गया? संदीप जी के ऊपर लगा उसमें क्या हो गया? एक व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन होया करते थे उनके ऊपर लगा उसमें क्या हुआ? बहुत से ऐसे मामले हैं हरियाणा के अंदर घोटाले भी अश्लील हरकतें में भी हर चीज में भरी पड़ी है लेकिन किसी भी नेता किसी भी कार्यकर्ता के बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है राहुल जी लौटेंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हैं देखिए विरोध करना जाहिर सी बात है लेकिन इस तरीके से सड़कों पर उतरना आप कैसे देख रहे हैं? प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो है कि बोलना चाहूंगा क्योंकि आज जो आप पार्टी के जो नेता के ऊपर जो इतना बड़ा एलिगेशन जो लगाया गया है और जो जांच का विषय है लेकिन ये वही लोग हैं जब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के जरिए जो है कि एक आरएसएस की टीम बनकर के जो है इस देश के अंदर आई है और इन्होंने बीजेपी का कवच बनकर के काम किया है जी। लेकिन आज जो चोट जो है कि वो बीजेपी की द्वारा इन लोगों को दी जा रही है वो इन लोगों को भी समझना चाहिए
कि हम जो है कि सही तरीके से जो है कि वो काम को करें जी, और जो है कि क्या ठीक है कृष्ण जी, समय की कमी हमारे पास, एक आखिरी सवाल मनोज जी से करना चाहूंगी। मनोज जी देखिए, जिस तरीके से अब फिलहाल जांच जा रही है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव है, और ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? कहते हैं अब बीजेपी प्रदेश और देश से गांड लग रही है, क्योंकि सारी दुनिया को पता चल गया कि जो कांग्रेस करा करती वही बीजेपी करने लगी जी, तो जब अच्छे काम करेगी नहीं तो वापस तो जाएगी जाएगी। एक सवाल है, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब एक मंत्री को सरेआम बताने लग रहा है, टेबल पर थपकी मार के कहता है कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, वो भी तो जांच का विषय है, वो भी तो कानून के दायरे में है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब एफआईआर दर्ज हो चुकी तो फर्ज बनता था उसको कम से कम मंत्री पद से तो हटाते, मंत्री पद से हटा के घर बैठाते फिर उसकी जांच करवाते, तो कोई ना कोई न्याय मिलने की चांस होते। अब कोई मंत्री उसके खिलाफ कोई पुलिस वाला जांच करेगा? अब ये साधारण चंडीगढ़ पुलिस को दे रखी है जहां से जो इनके अंदर में सारी दुनिया को पता है, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई बार बार पूरा? ठीक है मनोज जी, समय की कमी है मेरे पास, रोकना चाहूंगी और माफी चाहूंगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गर्ग जी और कृष्ण पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में जांच लगातार जारी है और सियासी गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि सीबीआई की जांच किस ओर आगे बढ़ रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।